हेलो एवरीवन, कल के व्लॉग में आपने देखा था कि हमारा मैसूर में डे वन था और हमने वृंदावन गार्डन विजिट किया था। तो सेम डे पर ही हम मैसूर पैलेस आए थे और इस पैलेस को देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जिस पैलेस को हम देख रहे हैं ये है मैसूर की शान और यहाँ पर आपको अंदर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। बहुत आते हैं इस प्लेस को विजिट करने के लिए और इस पैलेस में गंदगी ना हो इस वजह से हमें जूते चप्पल बाहर उतारने पड़े और नंगे पैर ही अंदर पैलेस के अंदर एंट्री थी। पैलेस के गेट पर ही बहुत सारी टोपी रखी थी जो की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के पर्पज से यूज होती थी। अंदर जाते ही सबसे पहले हमें महारानी जो शीशे यूज करती थी उन सभी की झलक देखने को मिलती है और यहाँ पर काफी एंटीक एंटीक आइटम रखा हुआ था। पैलेस के अंदर काफी बारीकी से काम कर रखा था, इवन जो फ्लोर था उस पे भी काफी मेहनत कर रखी थी। और यहीं पर आपको मिनी दरबार देखने को भी मिलेगा जहाँ पर राजाएं महाराजाएं आनंद लेते थे संगीत और नाच गाने का। और इसके बाद हम सीधा पहुँचते हैं मेमोरी सेक्शंस पर जहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि इस महल में क्या क्या हुआ है, कौन कौन रहता था। एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि राजघरानों में भी उनके बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, जिसका जिगता जागता सबूत इन पेंटिंग्स में दफन है। जहां आज हम ज्वेलरी पहनने से डरते हैं वहां पर उस जमाने में छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी हैवी ज्वेलरी पहना दी जाती थी। इस महल में हमें ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड्स की पेंटिंग्स भी मिली, साथ ही साथ ये वो सारे आइटम्स हैं जब भी कोई पैलेस आता था तो कुछ गिफ्ट आइटम्स लेकर आता था। इसमें से कुछ गिफ्ट आइटम्स लकड़ी के बने थे तो वहीं पर कुछ गिफ्ट आइटम्स चांदी के बने थे, लेकिन हर एक गिफ्ट आइटम अपने आप में यूनिक था। मैसूर पैलेस की दीवारों पर लाइव पेंटिंग्स की गई थी जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड को दर्शाती है। लाइव पेंटिंग्स करना कितना मुश्किल होता होगा ये मुझे देखकर समझ में आ ही रहा है। उसके बाद हम पहुंचते हैं फाइटिंग सेक्शन में जहां पर आपको एग्जिट और एंट्री गेट दोनों पर ही लेपर्ड देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग, ये इतने प्यारे प्यारे शीशे और राजाओं महाराजाओं की चेयर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथी का दांत यूज हुआ था। महल इतना बड़ा था कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई और शोना बहुत ज्यादा थक गया था तो अपने पापा को अपने अकॉर्डिंग चला रहा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखी मैंने वो थी 152 किलो सोने का सिंहासन। 30% पैलेस ही हमें घूमने दिया जा रहा था, बाकी का 70% पैलेस बंद था। लेकिन अब हम पहुंच गए हैं दरबार में। ऊपर वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं जहाँ से महारानियां दरबार अटेंड करती थी और ये वाला सेक्शन भी महारानियों के लिए रिजर्व था। दरबार के बाद सीधा एग्जिट पॉइंट पर हमें ये हाथियों की पूरी पोशाक देखने को मिली जिस पर बैठ के राजा महाराजा विजिट करते थे, और ये पोशाक देखने में बहुत ज्यादा हैवी लग रही थी जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में। ये पेंटिंग देखकर आई एम शॉक्ड कि राजा के चेहरे पर गॉगल्स, बट टाइम पीरियड देखकर समझ में आ गया। ऑलमोस्ट मैसूर हमने घूम लिया है तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। बच्चे भी आप देख सकते हैं कैसे फैल के सो रहे हैं, और आज जन्माष्टमी भी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट ना करें। तो पास में हमने इस्कॉन टेम्पल देखा है तो वहाँ पर जाएंगे सेलिब्रेट करें। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इनको एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, होपफुली ये ठीक रहे क्योंकि इनके बिना हम नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि यही हमारे ड्राइवर हैं अभी। तो अभी मैं भी रेस्ट करती हूँ।